मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास भूल ले यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देगी। अद्भुत तुलसीदास जी ने जो किया वो विष से अमृत निकालने के समान था। ज्ञानदत्त के वचनों ने भी अपने लिए प्रेरणा ढूंढ ली। ये सीख तो सभी को लेनी चाहिए पुष्पदंत जी, अपनी भूलों से अपनी विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दुखी होकर अपना आत्मविश्वास खो देना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। फिर भले ही कोई किसी के सामर्थ्य को कितना भी कम क्यों ना आके। ये शिष्य क्या देख रहा है? प्रणाम गुरुजी। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुलसीदास जी वास्तव में राम कथा लिख रहे कि नहीं। राम कथा और तुलसीदास, कविता लिखना और राम कथा लिखने में बहुत अंतर। वो क्या लिखे? इसलिए तुलसीदास पर ध्यान देने जगह अपने काम पर ध्यान दो। हे प्रभु, आपके इस महान कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये लीजिए। ये तो लेखनी ही टूट गई। समय अनुकूल है इतने शुभ कार्य के लिए, इतना पावन और शुभ अवसर है, फिर ये अपशकुन क्यों? ये तो मुझे ज्ञात नहीं मित्र, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि ये सभी बाधाएं, ये सभी विघ्न अत्यंत छोटे हैं, परंतु मेरा उद्देश्य वो अत्यंत महान है। स्वयं प्रभु ने ही तो मेरा मार्गदर्शन किया है, इस उद्देश्य के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरी नियति है। अब ये वर्षा कहां से आरंभ हो गई? यदि ये आपके जीवन का उद्देश्य है और ये अपशकुन नहीं, तो ये विघ्नों की झड़ी क्यों लगी हुई है? ये विघ्न थम क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ज्ञात हो गया है, इतने महत्वपूर्ण कार्य के शुभारंभ से पूर्व मैंने विघ्नहर्ता गणेश का शुभाशीष जो नहीं लिया, प्रथम पूजनीय बुद्धि के देवता पार्वती नंदन श्री विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद के बिना इतना महत्वपूर्ण कार्य भला कैसे संभव हो सकता था? हे प्रभु, हे प्रथम पूजनीय, हे श्री विघ्नहर्ता गणेश, आज रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तुलसीदास प्रभु श्री राम की कथा अवधी भाषा में लिखने से पूर्व आपकी वंदना में, आपकी स्तुति में कुछ पंक्तियां आप ही को समर्पित करता हूं।
वर्षा रूपी विघ्न जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही मिट भी गया। प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए। हे प्रभु, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यदि सभी नदियों का जल स्याही बन जाए और यदि संपूर्ण धरती कागज बन जाए तो भी प्रभु का गुणगान उसमें समा नहीं सकता। और इतना सब कुछ लिखने के लिए मुझ में बुद्धि भी तो नहीं है भगवान। इसलिए हे बुद्धि के देवता, मेरी बुद्धि को इतना समर्थ बना दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम की कथा कथा अपने शब्दों में उतार सकूं। प्रभु श्री राम की लीला को जीवंत बनाकर कलयुग को भक्ति, धर्म और मर्यादा की ओर प्रेरित करने में अपना भाग निभा सकूं। कल्याण हो तुलसीदास जी, लेखन की इस पूर्ण अवधि में मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ज्ञानेश्वर गणेश जी की कृपा पात्र बने हैं आप। अब आपको अपने महान ग्रंथ के लेखन में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामग्री मंगलानाम च करता रहो वंदे वाणी विनायको। लेखन आरंभ करते ही प्रथम पृष्ठ पर ही तुलसीदास जी ने मेरी और माता सरस्वती की वंदना में श्लोक रचे। फिर इतना महान अवसर देने के लिए पिताश्री प्रभु महादेव, माता पार्वती और प्रभु श्री राम एवं माता जानकी का धन्यवाद करते हुए भी उन्होंने श्लोक रचे। फिर उन्होंने संकट मोचन महाबली हनुमान जी की प्रार्थना की, देवी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उन मनुष्यों को भी धन्यवाद किया जिन्होंने भिन्न भिन्न समय पर उनकी सहायता की, जैसे ब्राह्मण दंपति और वो उन ब्रह्म राक्षस। प्रकार तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का बखान करने वाले महाकाव्य की रचना आरंभ की। सब बैठे मेरी सभा में और सुन उसे रहे हैं और वो ऐसा क्या ही कह रहा है।
साधारण सी भाषा में थोड़ी सी तुकबंदी तो की है उसने। सभा में आप सबका ध्यान कथावाचक पर होना चाहिए। इधर देखिए सब, अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया मूल गोपाल। मधुर भजन में इस निर्मल वाणी में कहाँ गए सबके सब? वो रहे गुरुजी। ये सब वो क्या रहेगा?
वह मैं ज्ञान का भंडार, ज्ञान तत्व, प्रवचन देने के लिए तैयार बैठा, और तुम लोग इस ढोंगी को सुनने आगे। आत्मा तर करनी है तो मेरे साथ आओ। घोर कलयुग है, अज्ञानता और मूर्खता की पराकाष्ठा, तभी आप सब लोग यही हैं। मूर्खता नहीं ज्ञानी जी, ध्यान से देखिए सभी के मन में और मुख पर प्रभु श्री राम की भक्ति छाई हुई है। हाँ स्वामी, ये उचित कह रहे हैं। ऐसा अनुपम भक्ति भाव है इनकी वाणी में, जो सुने निहाल हो जाए। आप भी सुनिए ना। स्वयं मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी यहाँ पहुंच गई, बड़ा शली है। भक्त जनों, आप सबकी दुविधा का समाधान तो अत्यंत सरल है। आप सबको अपना ध्यान प्रभु श्री राम कथा का वाचन करने वाले में अथवा प्रभु श्री राम के भजन गाने वाले में नहीं केंद्रित करना चाहिए, एकमात्र प्रभु श्री राम पर ही होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भटकेगा ही नहीं। और हाँ, प्रभु श्री राम पर लिखे दोहों और चौपाइयों को सुनने के लिए आपको यहाँ आकर मुझे देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। व्यर्थ के शब्द सुनने के लिए नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। और जिन्हें अपना और अपने बालकों का सुनहरा भविष्य तय करना है, वो मेरे साथ चलेंगे। तुलसीदास जी, महाशय ज्ञानदत्त का यह कैसा थोथा ज्ञान है कि प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर भी उनके मन में तनिक भी भक्ति भाव नहीं आया। प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। स्वयं माता कौशल्या जिन्हें देखकर अपनी सुदबुद्ध खो बैठती है, सारा दिन उन्हीं के ध्यान में मगन रहती है। ऐसे प्रभु श्री राम के गुणगान से जो वंचित रह गया, ये उसका दुर्भाग्य है। लौट कर यही आना पड़ा ना इन्हें। तुलसीदास जी ने किसी भी विकार को अपने निकट नहीं आने दिया, पूरी तन्मयता से अपने लेखन कार्य में जुटे रहे और कुछ ही माह में बाल कांड की रचना पूरी की। निज गिरा पावनी करण कार, राम जसू तुलसी कही, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारू कभी कौने कही। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कर मैं अपनी ही वाणी को पवित्र कर रहा हूं, और वैसे भी आपकी कृपा के बिना सागर से भी विशाल आपके चरित्र का वर्णन कर पाना किसी भी कवि के लिए असंभव है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं प्रभु कि जो भी मनुष्य इसका पाठ करे उस पर सदैव प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा बनी रहे। मैं अपनी इस रचना का प्रथम भाग आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। और अब आपसे अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता हूं। अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता हूं। अपने आप को या इन निर्दोष लोगों को? नहीं ज्ञानदत्त जी, मैं मूर्ख बनाने का व्यापार नहीं करता। मैंने वास्तव में अवधी भाषा में 7 कांडों और 84 प्रसंगों में प्रभु श्री राम की कथा का लेखन संपन्न किया है। अच्छा, 84 प्रसंग? हाँ, इस ग्रंथ में 4608 चौपाइयां, 27 श्लोक हैं, 1074 दोहे, 207 सोरठ हैं और 86 छंद हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम का नाम 1443 बार आया है और माता जानकी का नाम 147 बार।
सुना ना आप सब लोगों ने, स्मरण रखना इस अंक को। महान तुलसीदास जी, आपको तो हमें ज्ञान के स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बुलाना चाहिए। आप पर तो सभी को विश्वास, तो इनके विश्वास को और प्रबल कर दीजिए गोस्वामी जी। आपने 84 प्रसंग लिखे, तो उनमें से जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है तो वो हमें सुना दीजिए। इन पृष्ठों पे शीर्षकों के अलावा कुछ तो लिखा होगा आपने, तो एक सुना दीजिए हमें, हम भी तो आपके ज्ञान का लाभ उठाएं। तुलसीदास जी, आप शांत क्यों हैं? सुना दीजिए ना इन्हें। आपने जो भी लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। हाँ, शीघ्र सुनाओ। वो कितना था? 4608 4608 छुपाई लिखी है तुमने, उनमें से एक भी प्रशंसा योग्य हुई तो मैं यहां काशी से चला जाऊंगा और फिर अपना मुख कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, और फिर तुम मुझसे और मेरे वचनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम्हारे कार्य के बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, वचन देता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ। तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज, अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतने कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आम जन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों? महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो सब में नहीं होती, और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। क्या अंदर? मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती, वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, और वहां पहुंचकर
आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी, यदि यह सत्य नहीं, यदि इसमें आपका कोई शल नहीं, यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें, ताकि हम सभी को भी पता चले कि तुलसी की राम कथा को लेकर उनके क्या विचार। बस एक बार प्रभु और माता इसे स्वीकार कर ले, तब मैं संपूर्ण संसार के सामने इसका पाठ कर दूं। गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे, या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता, शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि यह ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपास बनेगा। यदि यह संभव है तो इसे संभव करना होगा। मुझे काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा। मुझे इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगी। कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी, जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था। देखिए, यही है वो डोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं? देवभाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ, मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में, किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं, और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया है। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है, वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने, कितनी सहजता से
जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं? जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे? और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने, आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जन, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को ये कथा सुनाने का विचार छोड़ दो, तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं? यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है, हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है माशे जी, आप जाइए, भीतर जाइए, हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकेता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में और उस नाम के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, इस भक्त की भावना को समझी मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, यह पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना? गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र है? तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे माता अन्नपूर्णा भवानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको प्रतीक्षा कर रखा है। क्षमा नहीं, आशीर्वाद के अधिकारी हो तुम तुलसीदास। तुम्हारी श्री राम कथा का पहला श्रोता बनने का अवसर देकर तुमने हमें अति प्रसन्न किया। अपने आराध्य के लिए कितनी भी प्रतीक्षा हो, कम कम प्रतीक्षा के पल ही भक्ति के पल ही हैं, किंतु अब राम भक्ति की पावन गंगा का सुंदर बहाव तुम्हारे शब्दों में सुनने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए अब विलंब ना करते हुए पाठ आरंभ करो। जो आज्ञा माता, मैं यथाशीघ्र आरंभ करता हूँ। प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए? आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे हैं और मैं। तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। वो बस आते ही होंगे। जहाँ प्रभु श्री राम का नाम, वहाँ भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहां उपस्थित हो सकते हैं। ब्राह्मण महानुभव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे, वो कहां चले गए? बालकांड। वर्णनामर्थ संघाना। मैं यहाँ किसी के साथ छल नहीं होने दूंगा। हमने प्रभु को वचन दिया है, हम मंदिर में छल नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? किंतु वो वृद्ध ब्राह्मण गए कहाँ? अरण्य कांड। सादर सिवहि एही विधि राम सबुही समझावा, गुरु पद पदुम हरिषि सिर नाम, गणपति गौरी गिरिसु मनाई, चले आशीष पाए रघुराय।
करम कथा हरि पद धरि शीश। किष्किंधा कांड। एक में मूल कली कलुष विध्वंस ने संपूर्ण शिवही नाई अपमाथा वर्णम विसद राम गुण गाथा। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। गुरुजी कहां उलझा दिया आपने, कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पार्ट अब तक खुदती रहा। अंतिम बार जब मैं झरोके में से मंदिर के भीतर जागने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी, तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए, ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपने यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत अतुल्य है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। कदंब वन चारिणी मुनि कदंब कादंबिनी रामचरितमानस भूधराम सुरनितंबिनी सेवितां नवंबुरुह लोचनां भिनवांबुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। माता ने मेरी स्तुति को स्वीकृति देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर
मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ प्रयास की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ भाग्य को भी झुकना पड़ता है।